हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज ये वीडियो में जानने वाले हैं कंप्रेसर ओवर हीटिंग के बारे में। कंप्रेसर स्प्लिट एसी हो या रोटरी कंप्रेसर हो या विंडो एसी हो, कोई सा भी कंप्रेसर कभी न कभी हीट हो जाता है, ट्रिप होता है हीट हो करके। क्या क्या कारण हो सकते रहेंगे, क्यों हीट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम सकता रहेगा, क्या क्या चीज़ हमें चेक करना चाहिए अगर हीट होता है, तो ये वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें, आपको जरूर कुछ जाने सीखने को मिलेगा। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे, आप लोग भी नए टेक्नीशियन नए लोग का हेल्प जरूर करें, ये वीडियो नए लोग पास शेयर करें जिससे और लोग भी सीख सकें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और इसी तरह से हम वीडियो बनाएं आप लोग पास भेज सके, आप लोग भी सीख सके, देख सके, आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें। कंप्रेसर ओवरहीट कहीं ना कभी कभी हो जाता है, यानी स्प्लिट ओसी हो या विंडो कोई से भी ओसी हो जाता है, जिसका मेन कारण सबसे पहले हम इसको जो वोल्टेज वगैरह चेक करना चाहिए। अगर एसी में जो हमारा वोल्टेज रहता है, पावर अगर लो रहेगा या हाई रहेगा तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। यानी कि वोल्टेज लो रहेगा तो एक कंडीशन में एम्पियर भी हमारा कम लेगा, या वोल्टेज हाई रहेगा तो कंडीशन एम्पियर भी हमारा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा। तो हमें वोल्टेज वगैरह भी ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, चेक कर लेंगे। उसके बाद लूज कनेक्शन, यानी कि कंप्रेसर जो है चल रहा है उसका या तो कॉन्टेक्टर से कहीं पे वायर वगैरह लूज है, या फिर कंप्रेसर का टर्मिनल्स रहते हैं थिम्बल्स लगे रहते हैं वो भी अगर लूज रहेंगे तभी ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो हमें सब चीज़ प्रॉपर चेक करना चाहिए, उसको कनेक्शन वगैरह जो है निकाल करके प्लायर से उसका कनेक्टर वगैरह है टाइट करके, थिम्बल वगैरह टाइट करके वापस हमें लगाना चाहिए, उसको प्रॉपर चेक करने से लूज रहेगा ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। उसके बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कंडेंसर कॉयल, यानी कंडेंसर कॉयल जो रहता है आउटडोर का कंडेंसर है वो अगर डस्टी रहेगा, ब्लॉकेज है, या फिर उसके अंदर जो है कोई वजह से दीवार के साइड में है या कुछ टच हो गया है, उसका जो भी एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तभी भी ये प्रॉब्लम होगा। अगर कंडेंसर कॉइल गंदा हो गया है या उसको कुछ छाया हो गया है, धूप में ज़्यादा है, ज़्यादा धूप आ रहा है, डायरेक्ट धूप आ रहा है, या फिर और भी कोई कारणवश से ब्लॉकेज हो रहा है जिससे कंडेंसिंग क्रिया नहीं हो पा रहा है, जो हीट जो उसका गैस का हीट रहता है ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, निकल नहीं पा रहा है, ये प्रॉब्लम होगा। कंप्रेसर पर लोड आएगा, हीट होगा, कंप्रेसर ट्रिप होगा। ये भी अगर सही है, इंडोर आउटडोर सर्विस किया हुआ है ये भी सही है, तो कंडेंसर फैन मोटर जो आता है उसका कंडेंसर फैन मोटर रहेगा, उसका स्पीड अगर स्लो रहेगा, कंडेंसर फैन का स्पीड स्लो रहेगा तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, लेकिन कंडेंसर फैन का स्पीड स्लो रहेगा तभी भी कंप्रेसर हीट होगा, लोड आएगा, गैस प्रेशर जो है उसका नहीं प्रॉपर हीट नहीं निकल पाएगा। यह भी सही है, तो कंडेंसर मोटर वगैरह भी सही है, स्पीड वगैरह भी सही है, या फिर सिस्टम ब्लॉकेज, यानी सिस्टम उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट साइकिल कैपिलरी ट्यूब हो गया या फिल्टर्स रहते हैं वो अगर ब्लॉकेज रहेगा तभी भी ये प्रॉब्लम हो सकता रहे, कंप्रेसर पर लोड आएगा, हीट होगा, या फिर कंप्रेसर का मैकेनिक सिस्टम खराब है, कंप्रेसर का पंपिंग लो हो गया है, पंपिंग फेल हो गया है, उसके वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ गया, यानी जो रिटर्न जो बैक प्रेशर गैस आता है, ठंडा गैस आता है, कंप्रेसर को नहीं मिलेगा, कंप्रेसर हीट होगा, ट्रिप करेगा, ये भी प्रॉब्लम है एक, या गैस ओवर चार्ज हो गया है, यानी गैस चार्जिंग समय में गैस ज़्यादा चार्ज हो गया है, या कोई कारणवश गैस ओवर हो गया है तभी भी ये प्रॉब्लम होगा, कंप्रेसर पर लोड आएगा, वो हीट होगा, हीट होकर के ट्रिप करेगा। उसके बाद आता है गैस लो, यानी गैस उसमें जो है एसी में गैस कम है, लो है, तभी भी उसको प्रॉब्लम होगा, कूलिंग नहीं होगा, रिटर्न उसको ठंडा नहीं मिलेगा, कंप्रेसर को रिटर्न ठंडा नहीं मिलेगा, बैक प्रेशर ठंडा नहीं रहेगा तभी भी कंप्रेसर कंटिन्यू चल करके हीट होगा, या कंप्रेसर कंटिन्यू वर्क कर रहा है तभी भी हीट होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता रहे, ये सब बेसिकली चीज़ हमें चेक कर लेना चाहिए। या कंप्रेसर का कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर अगर खराब रहेगा, वीक रहेगा तभी भी ये प्रॉब्लम होगा, तो उस समय कैपेसिटर चेंज करके उसे चेक करके स्टार्ट कर लेना चाहिए। अगर कैपेसिटर वगैरह भी सही है, कंप्रेसर सब कुछ सही है, तो इसमें कंप्रेसर का जो में ऑयल रहता है, अगर कंप्रेसर में ऑयल अगर लो हो जाएगा, निकल गया रहेगा, तभी भी कंप्रेसर हीट होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। या सक्शन प्रेशर जो आ रहा है, सक्शन प्रेशर लो है, यानी गैस वगैरह भी सही है, सब कुछ सही है, सक्शन प्रेशर जो उसमें लो है या हाई ज़्यादा हो रहा है सक्शन बैक प्रेशर, तभी भी कंप्रेसर हीट होगा, ट्रिप होगा। तो ऐसा तो ये सब हैं कुछ बेसिक फॉल्ट्स हैं जो इससे कंप्रेसर हीट होगा, ट्रिप होगा। अगर ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा है आपको तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, नहीं अच्छा है लगा है तो डिसलाइक कर सकते हैं, ये दोनों में से आप जरूर कुछ वीडियो को जरूर कमेंट करें, दबाएं, बताएं।
आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो में जरूर कुछ जाने सीखने को मिला रहेगा। अगर आपको जाने सीखने को मिला है तो वीडियो का फीडबैक जरूर दें, इसका कमेंट करें, आपको क्या चीज सीखने को मिला है, क्या चीज अच्छा लगा है। आप लोग देख सकते रहेंगे हमारे इस सर्विस सेंटर पे बहुत सी से टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोटर्स, पंखा, हर चीज जो भी हमारा होम इक्विपमेंट, जो भी हमारे घर में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल्स मैकेनिकल्स आइटम्स रहते हैं, उस सबको रिपेयर करने के लिए हमारा इस चैनल पर बताया गया है, सिखाया गया है। अगर आप एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो भी आप ITI डिप्लोमा, इलेक्ट्रिशियन का ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके हेल्पफुल रहेगा। इस पर हम आप लोग को थ्योरिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बहुत से हम बनाने वाले हैं, और भी हमारे बहुत से बना हुआ है आप लोग के हेल्प के लिए। आप लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का जो बेल आता है उसको ऑन कर दें, जिससे और इस तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग के हेल्प के लिए, आप लोग के पास हम भेज सके और आप लोग भी सीख सके, दे सके। आप लोग भी नए टेक्निशियन, नए लोग का हेल्प जरूर करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।